प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के बारे में। और ज्यादातर स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर बोर्ड एग्जाम हमें 2025 का देना है और हमें लगभग 95% जो है स्कोर करना है, लेकिन सर कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिसमें हम लोग ऐसे परसेंटेज को हासिल कर सके। सवाल ये है बच्चों, ऐसे कौन कौन से ट्रिक है जिन्हें आप अपना कर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और आप भी हर साल बच्चों की तरह बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम देने से पहले सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखनी होगी वो होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। आप जानते हैं जो भी आप अपने सवालों के आंसर को लिखना होगा वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे। बच्चों ये जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है यही आपके एग्जामिनर के पास जाती है और एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी चेकिंग करते हैं, यानी कि जो आप सवालों के आंसर दिए होते हैं वो जो एग्जामिनर होते हैं इन्हीं सवालों को देखते हैं और इन्हीं सवालों को देखने के बाद आपको नंबर निर्धारित किया जाता है। आखिर में बच्चे ने किया कितना है, हमें नंबर कितना देना है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने कोई भी कॉपी लिखी है, कॉपी की राइटिंग अच्छी है, कॉपी की स्पीड अच्छी है, कॉपी को अगर साफ सुथरा लिखा गया है, वहां पर बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड एग्जामिनर होते हैं बोर्ड एग्जाम के, वो आपको बहुत अच्छा नंबर देने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों हम आपको आज बताएंगे कि आखिर। प्यारे बच्चों यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है। दो तीन फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा बच्चों परसेंटेज हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी कुछ ऐसे ही रहेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जीव विज्ञान की बच्चों कॉपी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम की बच्चों कॉपी मिलेगी वो कुछ ऐसे ही रहेगी। देखिए बच्चों, जो आपको पेपर मिलेंगे वो सबसे पहला जो आपका पेपर होगा, पेपर में क्वेश्चन होंगे वो बहुकल्पी के टाइप होंगे, यानी कि कोई प्रश्नोत्तर कोई प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, राइट। जो चार ऑप्शन रहेंगे बच्चों, उन चार ऑप्शन में से जो आंसर सही होगा उसी को आपको उसी क्वेश्चन के आंसर को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए कितने ऑप्शन थे, चार, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन थे। अब सपोज एक क्वेश्चन होता है, तो बच्चों जो क्वेश्चन होता है उस जो क्वेश्चन में से एक आपको आंसर लिखना है वही लिखना है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, उसका जो बच्चों एक आंसर होता है वही आपको यहाँ पर लिखना है, उसके ऊपर नहीं लिखना है कि आप कुछ भी लिख दिए, कैसे भी लिख दिए, ये सब बच्चों आपको नहीं लिखना है, राइट। आप जैसे एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में से बच्चों एक आंसर जो आपका सही हो वही लिखना है। यहाँ पर देखिए कॉपी में चारों लिखा गया, तो बच्चों चारों नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये देखिए बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन था जो अति लघुत्तरी टाइप था। अति लघुत्तरी टाइप का मतलब यह होता है बच्चों, ये एक दो नंबर वाले क्वेश्चन थे, राइट। यहाँ पर देखिए एक दो नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपी में कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, राइट। आप देखिए कॉपी में जरा आप क्वेश्चन के आंसर को बच्चों लिखने का तरीका देखिए, ढंग देखिए, ये जो आपके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर देखिए ये आंसर डाला गया, आंसर के बाद स्टेप बाय स्टेप करके लिखा गया। यहाँ पर देखिए पहले अनजाने व्यक्ति, फिर है बहुलक व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे आप लिख दिया गया वैसे आप लिख दिया गया, यहाँ पर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाया गया। तो बच्चों ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं, बोर्ड एग्जामिनर जो होते हैं बच्चों वो कॉपी जांचने का बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड यानी दूसरा, इसमें आप देखिए बच्चों जैसे आंसर है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का जो ग है, यहाँ पर देखिए आंसर मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, या भाई ये बताइए अति लघुत्तरी अगर क्वेश्चन था तो आपको वहां पर कुछ ही शब्दों में 20 शब्दों 30 शब्दों में आपको आंसर देना है, तो आप क्या करेंगे पूरा पन्ना भर का पेज भर कर आप बस कुछ आंसर में लिख दीजिए, यानी कि क्वेश्चन रहा होगा आपका मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे ने कितना अच्छा आंसर दिया, सर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 यानी 46 होती है। तो बच्चों ये सब जो आपको पॉइंटेड बातें हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। अब आगे आप ध्यान दें प्रश्नोत्तर संख्या दो घ, तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर देखिए जो भी आपको पूछा गया होगा, एस्केरियोसिस और मलेरिया,
जो भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन को दो पॉइंट में लिख कर यहाँ पर आंसर दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, जैसे आगे जो क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया। बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चों अटेम्प्ट किया गया है नंबर को, राइट। यहाँ पर देखिए एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन रहा होगा, एग्जामिनर ने एक नंबर भी बच्चों नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा नंबर दे दिया है। अब जरा आप इस चीज को समझने का बच्चों प्रयास कीजिए, देखिए एग्जामिनर ने एक नंबर भी नहीं छोड़ा। ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण, तो बच्चों ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर में जो बोर्ड एग्जाम की आप कॉपी लिखते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। बच्चों देखिए बोर्ड एग्जाम की यदि कॉपी आप लिखना जान जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देंगे। तो बच्चों ये सब पॉइंटेड बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। चलिए बच्चों बाकी नेक्स्ट वीडियो से मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।